What's up guys, my name is Jaden, you're watching Jaden Oxford, so let's get started without wasting any more time. आज वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेफ मून के बारे में, जो 8 मार्च 2021 को लॉन्च हुआ था। उसके बाद में इसने काफ़ी ज़्यादा तहलका वगैरह मचाए थे, तो यहाँ पर हम रैंक देख लेते हैं। 202 पर है शिबा से, हालांकि इस चीज़ में पीछे है, बट यहाँ पर वॉच लिस्ट में हम देख सकते हैं 14,79,171 लोगों की वॉच लिस्ट में भी है। इसके बाद में हम 24 की जगह यहाँ पर 1 ईयर लॉक करके देख लेते हैं। यहाँ पर स्टार्ट हुआ था 0 से और लगातार हाई पर बढ़ता जा रहा है, तो उसी राह में ही है। बट शिबा से ये कैश किस प्रकार बेहतर है, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो जब यह लॉन्च हुआ था, उसके बाद में यहाँ पर इसकी कम्युनिटी ने फंड रेज करके एडवर्टाइजमेंट वगैरह करवाए थे। सेफ मून मैगजीन नाम से कुछ है, सेफ मून टाइम स्क्वायर है, वहाँ पर इसका एडवर्टाइजमेंट वगैरह लगाया गया था। उसके बाद में इसकी कम्युनिटी काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती गई थी और शिबा से डबल हो गई है इसकी कम्युनिटी। कुछ लोग कह रहे हैं हमें इसे खरीदना है, तो मैं एक बार रिकमेंड करूँगा कि एक बार के लिए इससे आप मत खरीदिए, क्योंकि देखिए पहले देखते हैं कि सेफ मून में आप देख सकते हैं कम्युनिटी डबल है शिबा के मुकाबले। शिबा की इसकी जस्ट आधी है, लगभग 400-450 के आसपास शिबा की है और इसकी पूरे डबल है। यहाँ पर बताया गया है कि ट्वीट वगैरह है, तो ये हम नहीं पढ़ने वाले हैं। शिबा से यह किस प्रकार बेहतर है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। शिबा में जब सप्लाई आया था, करंट सप्लाई आया था, तो वो था 1 क्वाड्रिलियन, मतलब 1,000 ट्रिलियंस, और 1 ट्रिलियन बनता है 1,00,000 करोड़ से। उसका भी क्वांटिटी सेम था, इसका भी क्वांटिटी सेम है, बट दोनों में फ़र्क कहाँ पर आ रहा है? फ़र्क इसलिए आ रहा है क्योंकि वहाँ पर सप्लाई को हालांकि बर्न वगैरह किया था वितालिक ने, बर्न किया था शिबा को, बट सेफ मून में क्या है कि सेफ मून आप होल्ड रख सकते हैं लंबे समय के लिए। कैसा कर सकते हैं, देखिए जैसे मान लीजिए आपने 100 कॉइंस लिए, अब यहाँ पर इनकी शर्त रखी गई है 100 कॉइंस आपने लिए तो इसका 10% जब आप सेल करेंगे तो वह बर्न हो जाएगा, मतलब आपके पास नहीं आएगा, सीधी सी बात है, वो जाएगा उसमें से 5% जाएगा होल्डर्स के पास वापस और 5% हो जाएगा बर्न, मैन्युअली रूप से बर्न हो जाएगा। तो ऐसा क्या होगा, जैसे जैसे मान लीजिए आपने 1 लाख लिया, 1.5 लाख लिया, वापस आप करेंगे तो 10% आपका कट गया। धीरे धीरे आप जितनी ज़्यादा वार ट्रेड लेंगे तो इसका जो क्वान्टिटी लगातार कम होता ही जाएगा। और आपको पता है जिस चीज़ का क्वान्टिटी मैनुअली या फिर जैसे भी रूप से बर्न होगा या कम होगा, तो उसका प्राइस में इजाफा हमें देखने को लगातार मिलता रहेगा। हालांकि इसकी काफ़ी ज़्यादा कम्युनिटी स्ट्रांग है, कुछ लोग कह रहे हैं बाय करना है, तो मैं एक बार के लिए रिकमेंड नहीं करूँगा कि बाय करने के लिए, क्योंकि शिबा यहाँ पर लिस्ट हो चुका है बाइनेंस पर। बट सेफ मून के बारे में ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है कि बाइनेंस पर कब लिस्टिंग होने वाला है। हालांकि बाइनेंस स्मार्ट चेन पर वर्क करने वाले प्रोजेक्ट्स काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रहे हैं, और शिबा के बारे में भी हमने देखा था बाइनेंस पर जब लिस्ट हुआ था तो इसने लगभग 150% का रिटर्न दिया था। बट यहाँ पर अभी तक लिस्टिंग नहीं हुई है, ना कोई ऐसी न्यूज़ आई है कि सेफ मून को लगी ऐसा हो गया हो कि लिस्टिंग वगैरह करने वाले हैं, तो ऐसा कोई न्यूज़ वगैरह नहीं आया है। और शिबा स्वाप के बारे में, शिबा का प्राइस हो सकता है बढ़ सकता है, बट इसका कोई एक बार के लिए कोई ऐसा बड़ा इवेंट नहीं है। व्हाइट पेपर में यूई कहा गया है कि जैसे मान लीजिए आपने 1 लाख क्वांटिटी लिया तो उसका 10% हो जाएगा, 10% से 2 भाग हो जाएंगे, उसके 5% मैनुअली रूप से बर्न कर दिए जाएंगे और 5% वो होल्डर्स को वापस मिल जाएंगे। आपको नहीं मिलेंगे, आपके तो कट जाएंगे 10%। तो ऐसा कर करके प्राइस लगातार बढ़ता रहेगा, क्वांटिटी कम होता रहेगा, इस प्रकार से जो मैनुपुलेशन है वो एकदम सही रूप से काम करेगा। तो यही थी सेफ मून के बारे में छोटी सी एक वीडियो। अगर वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो, नॉलेज मिली हो, तो सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो शेयर भी करना, लाइक भी करना। जय हिंद, जय भारत।